नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर्वजयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अंदर कोरियोलिस कंपोनेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक ट्यूटोरियल देखते हैं। देखिए, जब कभी भी अगर कोई स्लाइडर कोई ऐसे लिंक पे स्लाइड कर रहा है, ये सपोज कर लीजिए कि ये कोई लिंक है जिसके ऊपर ये एक स्लाइडर है। अब ये स्लाइडर इस लिंक के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। ये उसका ओरिजिन पॉइंट है किसका, ये लिंक का। दिस इज़ व्हाट है लिंक, ये क्या है स्लाइडर है। अब स्लाइडर जो है ये लिंक के ऊपर रेसिप्रोकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये लिंक सपोज़ कीजिए कि ऐसे रोटेट भी हो रही है, ठीक है। तो अगर जब कभी भी कोई स्लाइडर कोई ऐसे लिंक के ऊपर स्लाइड कर रहा है जो कि खुद रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन के ऊपर, तो तब कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डेवलप होता है। अब ये कोरियोलिस कंपोनेंट एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है उसकी डायरेक्शन हमको फाइंड करने की है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है और काफ़ी सारे स्टेट PSU और ONGC, पब्लिक सेक्टर यूनिट एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम और SSC JEE में, गेट में इवन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कोरियोलिस कंपोनेंट की राइट है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है, आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होगा कि आप कैसे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ इतने स्टेप्स करने हैं, इतने स्टेप में आप बहुत ईजिली ये डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे ये जो स्लाइडर है ये लिंक के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज़ करिए ये डायरेक्शन है वी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसकी वेलोसिटी है, ये स्लाइडर की वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर ये ओमेगा दे रखा है, ये है लिंक जो रोटेट हो रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। आपको क्या करना है कि कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको अपने थंब जो है वो थंब की डायरेक्शन को डायरेक्शन बना देना है लीनियर वेलोसिटी की, यानी कि इस तरह, ठीक है। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो मेरे थंब की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। उसके बाद आपको ओमेगा दे रखा है क्लॉकवाइज, तो आप क्या करोगे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे इस तरह, यानी कि आप लोगों को अगर मैं लेफ्ट हैंड से बताऊं तो ये मेरे थंब है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की है। उसके बाद आपको ये ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज घूमने को बोल रहा है, तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। जब अब आपका थंब कौन सी डायरेक्शन में है, जो भी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन हो जाएगी आपके कोरियोलिस कंपोनेंट की डायरेक्शन। सो सिंपल, ठीक है। कन्फ्यूज़न तब होता है कि जब आपको अगर इस टाइप का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये आपका स्लाइडर है, उसकी वेलोसिटी बाहर जा रही है, ठीक है, ये मुझे दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इस केस में क्या करोगे कि थंब रखोगे ये वेलोसिटी है, घुमाना एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसकी कोरियोलिस कंपोनेंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड, ठीक है। अब जो फोर्थ केस आपको शायद ऐसा दे रखा होता है कि ये स्लाइडर है, स्लाइडर की वेलोसिटी इनवर्ड है और ये ऐसे क्लॉकवाइज है ओमेगा, तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपको इतना करना है कि आपका जो थंब है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड है और ये कौन सी डायरेक्शन में है ओमेगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। ये कन्फ्यूज़न रहेगा, जब कभी भी इनवर्ड डायरेक्शन दी जाएगी तब आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो करना क्या है आप लोगों को, बस इतना करना है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में आपको थंब रखिए और ओमेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, इट मीन्स आपका कोरियोलिस कंपोनेंट हो जाएगा अपवर्ड। तो इस तरह आप कोरियोलिस कंपोनेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। और फोर्थ केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये लिंक है, इसके ऊपर ये स्लाइडर है, स्लाइडर की डायरेक्शन वी इनवर्ड है और यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो इस केस में आप क्या कर सकोगे, इस केस में आपको इतना करना पड़ेगा कि ये क्या है, मेरे थंब की डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो मुझे दी गई है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके हिसाब से ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की क्या हो गई, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अब ये चारों केस जो है वो
एमसीक्यू में, छोटे छोटे एमसीक्यू में कौन सी कौन सा मीन्स डायग्राम राइट है, कौन से कोरिओलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन राइट है, इसके हिसाब से काफ़ी सारे एमसीक्यूज गेट में आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आते हैं, पीएसयू में आते हैं, ओएनजीसी में आते हैं। तो ये ट्यूटोरियल आपको ये डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत ही बेनिफिट रहेगा और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जी हाँ, राइट साइड दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसके आपको आने वाले सारे वीडियो की अपडेट बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।